ओके ग्रेट. सो हाउ मेनी यू फ्रॉम द बीटेक ब्रांच? हाउ मेनी फ्रॉम बीटेक? ग्रेट. फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड रिमेनिंग आर बीसीए, राइट? एंड एमसीए आल्सो इज देयर? ओनली बीसीए इज देयर? ओके ग्रेट. सो सी, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू दैट व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस इंटरेक्शन, व्हाट दिस होल एजेंडा अबाउट दिस प्रेजेंटेशन. See, I'm here to tell you all the career opportunities which you are having, especially if you talk about the India in terms of higher studies as well as the jobs, right? Dr. Vijender talked to you about the all the opportunities abroad only, right? Aadha ghanta lenge, 30 minutes usme discuss karenge. Aur meri is presentation ko bade dhyan se sunna, kyunki isme main aapko bahut sari aise insights provide karunga aur jiska maybe hota kya life mein hame 2-4 saal 5 saal ke baad pata lagta hai. और जब हमें पता लगता है तो हम ऐसे बोलते हैं, ओ यार मेरे को तो किसी ने बताया नहीं इसके बारे में, इसकी तो मेरे को किसी किस चीज के बारे में नॉलेज ही नहीं थी. अगर मेरे को पता होता तो मैं ये कर लेता, मेरे को पता होता तो मैं वो कर लेता. ऐसा होता है और हर किसी के लाइफ में होता है, किसी ना किसी स्टेज ऑफ योर करियर, राइट? सो आई एम टॉकिंग अबाउट द करियर, नॉट द जॉब. सो वी आर हैविंग द थ्री प्लेटफॉर्म्स. डॉक्टर विजेंद्र डिस्कस यू अबाउट द यूरोपीडिया ग्लोबल. Then I'm here to talk about the Engineers Career Point and Yourpedia. सर ने काफी हद तक चीजें डिस्कस करी होंगी. अब मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं कि ऑल द ऑप्शंस. सी, आप बीटेक कंप्लीट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी दैट कि जब आप बीटेक कंप्लीट करेंगे तो आपके पास नॉर्मली करियर क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं तुम्हारे पास? सबसे पहला, हाँ, जॉब. अगर आप ब्रॉडर वे में देखो तो सबसे पहले क्या ऑप्शन होते हैं? जॉब. दूसरा ऑप्शन, you can go for higher studies. तीसरा option, you can go for your business, your entrepreneurship, right? थोड़ा सा और इसकी डिटेलिंग करते हैं. पहले जॉब की अगर पर्टिकुलरली बात करें तो किस टाइप के जॉब का ऑप्शन होता है तुम्हारे पास? सबसे पहला ऑप्शन, हाँ, यूर प्राइवेट, मतलब कभी इसको ब्रॉडरी क्लासिफाई करते हैं. फर्स्ट वन इज योर प्राइवेट, सेकेंड वन इज गवर्नमेंट, एंड थर्ड वन इज, बोलोगे सर प्राइवेट और गवर्नमेंट के अलावा क्या होता है, विच इज द थर्ड वन? पब्लिक सेक्टर. फर्स्ट वन इज योर प्राइवेट जॉब, सेकंड वन इज योर गवर्नमेंट जॉब, थर्ड वन इज योर पब्लिक सेक्टर जॉब, राइट? प्राइवेट, जैसे आप लोग यहां पे कंपनीज आएंगी प्लेसमेंट के लिए, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा उसमें बैठने का. अब उसके बाद प्राइवेट के लिए आप ऑफ कैंपस भी अप्लाई कर सकते हैं. गवर्नमेंट जॉब में अगर पर्टिकुलरली बात करें, सो आई थिंक मेजोरिटी ऑफ यू आर फ्रॉम द हरियाणा, तो हरियाणा यूटिलिटी बोर्ड है जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, इसको चार जो चीजों में डिवाइड किया हुआ है, चार पार्ट में डिवाइड किया है, उसको हरियाणा यूटिलिटी बोर्ड बोलते हैं. या पंजाब का पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की अगर बात करें तो उड़ीसा का, वेस्ट बंगाल का, ये चार स्टेट्स ऐसी हैं जिसमें जो असिस्टेंट इंजीनियर का जो जॉब है दैट इज थ्रू द वन ऑफ द एग्जाम, राइट? उसमें एग्जाम के थ्रू होता है. तीसरा ऑप्शन आप लोगों के पास आ जाता है फिर पब्लिक सेक्टर का. पीएसयू, आपने सुने कुछ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होते हैं? पीएसयू होता है कुछ ऐसा, सुने इसके बारे में? यस और नो? थोड़ा इंटरेक्टिव रखना, रिप्लाई करना हाँ या ना, जो भी है. क्या होता है, कोई नाम बताओ उनको पीएसयू का, कोई पीएसयू का नाम बताओ. दिल्ली आप लोग सुनते हैं उसके बारे में, दिल्ली, कोई नाम बताओ. टू व्हीलर है सभी के पास, फोर व्हीलर भी है ज्यादातर. आप लोग गाड़ी में तेल डलवाते हो, कहां से डलवाते हो? पेट्रोल पंप से. कौन सा होता है? आईओसीएल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एचपीसीएल, बीपीसीएल, ये सब क्या है? आपके पब्लिक सेक्टर है. इसके अलावा ओएनजीसी, सेल, गेल, और बोलो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, ऐसे बहुत सारे पब्लिक सेक्टर है. 250 प्लस पब्लिक सेक्टर है. पंजाब नेशनल बैंक, जेएनके बैंक, एसबीआई, क्या है ये? ये पब्लिक सेक्टर है. अब पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस होता है? गवर्नमेंट इज प्योरली 100% गवर्नमेंट, लेकिन पब्लिक सेक्टर में क्या होता है कि 50% जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, और जो रिमेनिंग परसेंटेज है वो स्टेट गवर्नमेंट का हो सकता है, किसी प्राइवेट का हो सकता है, कोई महारत्न पब्लिक सेक्टर का हो सकता है. तो ये है आपके पब्लिक सेक्टर जॉब्स. अब हम बात करेंगे हायर स्टडीज की. बात करें तो हायर स्टडीज में दो ऑप्शन आप लोगों के पास आती है. क्या? आपको टेक्निकल डोमेन में यू कैन गो फॉर द हायर स्टडीज एंड यू कैन गो फॉर द मैनेजमेंट डोमेन, राइट? टेक्निकल में क्या क्या ऑप्शन होते हैं तुम्हारे पास? सर ने कुछ बोले होंगे आपको. टेक्निकल डोमेन में अगर मेरे को हायर स्टडीज में जाना है तो क्या क्या कोर्सेज होते हैं? जैसे आपने बीटेक किया ऐसे एमटेक ऑप्शन होता है. कंप्यूटर साइंस इंजीनियर के मुंह से एमटेक बहुत मुश्किल से निकलता है, सीरियसली, लेकिन एंड में तुम रियलाइज करेंगे इसका बहुत बड़ा रोल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. सो इफ यू टॉक अबाउट टेक्निकल डोमेन तो एमटेक होता है, एमएस होता है एक, मास्टर्स इन साइंसेज,
और एक होता है डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम, डायरेक्ट पीएचडी, राइट। तो ये तीन डोमेन है, तीन कोर्सेज है जो आप बीटेक के बाद बीइंग एन कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हायर स्टडीज टेक्निकल डोमेन में जा सकते हैं। दूसरा डोमेन आ गया मैनेजमेंट डोमेन। मैनेजमेंट डोमेन में यू कैन गो फॉर द एमबीए प्रोग्राम, जा सकते हैं, नहीं जा सकते बीटेक करने के बाद, क्योंकि एमबीए के लिए बैचलर चाहिए होते हैं एंड यू ऑल आर बैचलर हो जाएंगे अभी साल दो साल तीन साल के बाद, राइट। मैनेजमेंट डोमेन एमबीए का ऑप्शन, पीजीटीएम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, पीजीटीएम भी आप कर सकते हो। तो ये आ गया कैटेगरी मैनेजमेंट का। अब तीसरा कैटेगरी क्या था, एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस, सर ने बोला होगा उसके बारे में श्योर, एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस जिसमें आप अपना कोई आइडिया को कंसीव करते हो और उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करते हो, वो एक वो प्रोडक्ट की फॉर्म में मार्केट में आते हैं और वो सारी चीजें आपको लोगों को रेवेन्यू देती है, आपका सिस्टम चलता है, ग्रो करते हो, वो सारी चीजें हैं एंटरप्रेन्योरशिप। अब अगर मैं बोलूं कि अगर सपोज मेरे को प्राइवेट में अच्छा जॉब चाहिए, अच्छी कंपनी में चाहिए, अच्छा सैलरी पैकेज चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, क्या करना पड़ेगा उसके लिए बोलो, प्लेसमेंट के लिए बैठना पड़ेगा, मतलब प्लेसमेंट बैठ के बैठे और जॉब लग गया, क्या करना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा, ग्रुप डिस्कशंस भी करते हैं, मतलब नटशेल में कंपीट करना पड़ेगा। किससे कंपीट करना पड़ेगा, अपने पीयर ग्रुप के साथ कंपीट करना पड़ेगा। अगर हम गवर्नमेंट जॉब की बात करें, गवर्नमेंट जॉब मैंने बोला पीएसपीसीएल हरियाणा यूटिलिटी बोर्ड, उसमें असिस्टेंट इंजीनियर के लिए मेरे को अगर अप्लाई करना है, उसमें अगर मेरे को जॉब चाहिए, अगेन मेरे को कोई ना कोई एग्जाम देना पड़ेगा। अगर बात करें पब्लिक सेक्टर की, पब्लिक सेक्टर में मेरे को जाना जॉब के लिए, क्या करना पड़ेगा, अगेन एग्जाम देना पड़ेगा, उनका प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। इफ यू टॉक अबाउट दी हायर स्टडीज, मेरे को एमटेक एमएस डायरेक्ट पीएचडी के लिए जाना है, एंड हियर इन स्पेशली इन केस ऑफ हायर स्टडीज वी विल डिस्कस ओनली दोज इंस्टीट्यूट जहां से तुम्हें करियर ऑप्शन बनेगा। ऑर्नामेंटल डिग्री नहीं, फॉर द सेक ऑफ ओनली करने के लिए नहीं करना है हायर स्टडीज, आपको हायर स्टडीज हमेशा वहीं से करने का बेनिफिट होगा अगर आपको वहां से करियर ऑप्शन मिलता है। वो करियर का क्या मतलब है, थोड़ा सा आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर मेरे को टेक्निकल डोमेन में हायर स्टडीज करनी है, एमटेक करना है, एमएस करना है, डायरेक्ट पीएचडी करना है, और वहां कहां से करना है, इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट से करना है। कौन से इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट टेक्निकल डोमेन में, आईआईटीज है, एनआईटीज है, ट्रिपल आईटीज आर देयर, बिट्स, वीआईटी, कुछ प्राइवेट भी है, बहुत अच्छा चल रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चों को करियर दे रहे हैं, राइट। अब मेरे को अगर आईटी से एमटेक करना है तो क्या करना पड़ेगा, अगेन कंपीट करना पड़ेगा, मैनेज करना है, डायरेक्ट पीएचडी करना है, क्या करना पड़ेगा, कंपीट करना पड़ेगा। नाउ टॉक अबाउट द मैनेजमेंट एमबीए, एमबीए के लिए इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स आईआईएम्स, वहां एंट्री करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगेन कंपीट करना पड़ेगा। मतलब कहने का ये है कि भाई मेरे को अगर अच्छी करियर ऑप्शन के बारे में सोचना है, मेरे को अच्छा करियर चाहिए, मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को वो ऐसी जॉब करनी है या मेरे को ऐसा काम करना है जिससे मेरे को मिलकर जॉब सेटिस्फेक्शन मिले, मैं जॉब नहीं कर रहा हूं, मैं करियर के हिसाब से सोच रहा हूं मैं, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा, कंपीट करना पड़ेगा, राइट। अब मैं आपको एक ऐसी ऑप्शन बता रहा हूं कि ये सारी जितनी की जितनी ऑप्शन है, सारी की सारी ऑप्शन एक ही एग्जाम के थ्रू मिल रहा है, दैट इज थ्रू द ओनली वन एग्जाम, एंड दैट एग्जाम इज द गेट एग्जामिनेशन। ये जितना भी मैंने अभी तक बोला है पिछले 10 मिनट में, ये सारी की सारी ऑप्शंस एक ही एग्जाम के थ्रू मिल रही है, दैट इज द गेट एग्जामिनेशन। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस गेट एग्जामिनेशन, कि आप एक एग्जाम दो और जो भी तुम करियर ऑप्शन चाहते हो, प्राइवेट, पब्लिक, गवर्नमेंट, एमटेक, एमएस, डायरेक्ट पीएचडी, मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, ऑल द ऑप्शंस आर थ्रू वन एग्जाम, एंड दैट एग्जाम इज नोन एज द गेट एग्जामिनेशन। सुना किसी ने गेट एग्जाम के बारे में, ऐसा है जिसने नहीं सुना गेट एग्जामिनेशन के बारे में? गेट इज ए स्टैंडर्ड एग्जाम। अब दूसरा, जब हम गेट नाम सुनते हैं तो आधों के चेहरे डाउन हो गए, आधों के चेहरे डाउन हो गए, हो गए ना, नहीं तुम्हें तो खुद नहीं पता लगेगा, मेरे को पता, सारी बेस्ट ऑप्शंस तुम्हें इस एग्जामिनेशन के थ्रू ही मिलेगा। अब गेट एग्जाम क्या है, दो मिनट में बता रहा हूं मैं। देखो, गेट एग्जाम जो एक्चुअल में स्टार्ट हुआ था वो हायर स्टडीज के लिए स्टार्ट हुआ था, कि अगर किसी ने मास्टर्स करना है या पीएचडी के लिए जाना है तो गेट एग्जाम देना पड़ता है, उसमें एक आपका स्कोर आएगा और उसके बेस पे तुम वेरियस डिफरेंट डिफरेंट आईटीज में तुम अप्लाई करोगे वहां पे तुम मास्टर्स करेंगे। अब अगर आप मेरे से बोलोगे कब स्टार्ट हुआ ये, 80s में स्टार्ट हुआ, कि सर 80s से पहले नहीं होता था क्या गेट एग्जाम, हायर स्टडीज नहीं होती थी क्या? बिल्कुल होती थी, लेकिन दैट वाज द नीड ऑफ द आवर, कंट्री की रिक्वायरमेंट थी। क्या कंट्री की रिक्वायरमेंट थी? क्योंकि जब तुम मास्टर्स करते हो, स्पेशलाइज्ड कोर्सेज होते हैं ना, वो स्पेशलाइजेशन में करते हो ना। अभी आपकी कोई स्पेशलाइजेशन है?
अभी आप लोग स्पेशलाइज नहीं है किसी डोमेन में, अभी नहीं है, बैचलर लेवल पे स्पेशलाइजेशन नहीं होती है, मास्टर्स लेवल पे स्पेशलाइजेशन होगी कि यू आर द स्पेशलाइज्ड इन साइबर सिक्योरिटी, यू आर द स्पेशलाइजेशन इन योर डेटा साइंस, यू आर स्पेशलाइजेशन इन मशीन लर्निंग, यू आर स्पेशलाइजेशन इन दिस पर्टिकुलर डोमेन. राइट नाउ इन बीटेक देयर इज नॉट एनी स्पेशलाइजेशन. अब रिक्वायरमेंट क्या थी और वो रिक्वायरमेंट थी कंट्री की. ध्यान से समझना, ये फोन प्लीज बंद कर दीजिए, मेरे को डिस्ट्रैक्शन होगा, मेरे को फर्क इससे कोई नहीं पड़ता कि तुम सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. राइट, अब नीड क्या थी कंट्री की, नीड ये थी कि भाई हमें चाहिए थे स्पेशलाइज्ड पर्सन, हमें टेक्नोलॉजी बाहर से परचेज नहीं करना था, क्योंकि हमें अपनी जिस हिसाब से पॉपुलेशन ग्रो कर रही थी, कर रही है, और रिसोर्सेज या क्वालिटी लाइफ की जो रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जा रही है इस कंट्री के अंदर, अगर मेरे को उसको कंपीट करना है उस लेवल तक, अगर मेरे को लेके आना है तो मेरे को चीजों को यहीं पे डेवलप करना पड़ेगा. लेकिन अदर कंट्रीज इसमें सपोर्टिव नहीं थे, अदर कंट्रीज में सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वो चाहते थे इंटरनेशनल बिजनेस कि भाई इसको मैं बेचूंगा लेकिन इसको सिखाऊंगा नहीं ये कैसे बनता है. बात आ रही है, समझो कि नहीं आ रही है. तो देयर वाज अ चैलेंज इस कंट्री के लिए कि अगर सपोज मेरे को अपनी कंट्री की रिक्वायरमेंट को मीट करना है, मेरे को यहीं पे चीजें डेवलप करनी पड़ेंगी, और वो चीजें तभी डेवलप हो सकती है अगर न्यूक्लियर रिएक्टर डेवलप करने हैं मेरे को, अगर प्लेन्स हेलीकॉप्टर्स अगर यहीं पे बनाने हैं, मेरे को खुद अपने सैटेलाइट लॉन्च करने हैं, तो मेरे को यहीं पे डेवलप करवाने पड़ेंगे. हम लोग किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखेंगे, अगर दूसरे पे डिपेंडेंसी रखेंगे तो जीडीपी कभी हमारा ग्रो करेगा ही नहीं. इट्स ऑल अबाउट जीडीपी, किसी कंट्री का डेवलपमेंट जीडीपी के साथ रिलेटेड है डायरेक्टली. तो जीडीपी इज वेरी सिंपल कि जितना तुम एक्सपोर्ट करोगे, जितना तुम सामान बेचोगे ज्यादा, उतना तुम अर्न करोगे. इट्स वेरी सिंपल. और जितना तुम अर्न करोगे वो सारा का सारा इसी कंट्री के ऊपर ही आपने लगाना है. ठीक है जी, बात आ गई समझ में, बात आ गई. तो दिस वॉज द नीड. अब हमें अगर सपोज न्यूक्लियर रिएक्टर बनानी है, सैटेलाइट लॉन्च करवाने हैं, तो मेरे को स्पेशलिस्ट बंदे चाहिए. बैचलर लेवल पे जाके आप डायरेक्टली आईएसआरओ में काम कर सकते हो, लेकिन स्टिल आपको एक छोटी सी डोमेन में देंगे वो काम, साइंटिस्ट बी के पोस्ट के लिए. राइट, तो हमें चाहिए स्पेशलाइज्ड पर्सन, सो दैट एक पर्टिकुलर डोमेन का स्पेशलाइज्ड, सो दैट कि तुम कंट्रीब्यूट कर सको उन प्रोजेक्ट्स में जो सोसाइटी की प्रॉब्लम है, जो सोसाइटी की प्रॉब्लम है. आईटी में क्या चल रहा है, पढ़ाई चल रही है? नहीं यार, आईटी पढ़ाई के लिए थोड़ा ना है. आपको क्या लगता है आईटी सिस्टम, आईएम सिस्टम, एम्स, ये तीन पिलर्स हैं इस कंट्री के, आईटी, आईएम्स, एम्स. आपको क्या लगता है वो क्या क्रिएट कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए बनाए गए हैं? नहीं, वो कंट्री को सॉल्यूशन देने के लिए बनाए गए हैं, वो कंट्री को सॉल्यूशन देने के लिए बनाए गए हैं, एम्प्लॉयर्स क्रिएट करने के लिए बनाए गए हैं, सोसाइटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाए गए हैं वो इंस्टीट्यूशंस. आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? कहीं पर भी तुम्हें लगे गलत है तो पीछे में हैंड रेस करके मेरे को क्वेश्चन पूछ लेना. सो दैट वाज द नीड कि हमें स्पेशलाइज बंदे चाहिए, चीजें यहीं पे क्रिएट करनी है, चीजें यहीं पे क्रिएट करेंगे, पहले अपने लोगों की जरूरतों को पूरा करेंगे, फिर हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे. आज क्या हो रहा है, इसरो क्या हो रहा है, बहुत सारी अदर कंट्रीज के सैटेलाइट लॉन्च करवा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ या ना, अवेयर हो इस चीज के बारे में इतना? यस या नो बोलो. यस, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, प्लेन्स हेलीकॉप्टर्स एक्सपोर्ट करने हैं हम लोग, महिंद्रा टाटा साउथ अफ्रीका में, बांग्लादेश, अदर कंट्रीज में, नियर बाई कंट्रीज में अपने व्हीकल सेल कर रहा है. इससे अल्टीमेटली होगा क्या, इकोनॉमी ग्रो करेगा, जीडीपी ग्रो करेगा. इट्स वेरी सिंपल. सो दैट इज द नीड, दैट वॉज द नीड कि गेट एग्जाम स्टार्ट करने का, जिससे वही लोग आगे आएंगे और एक पर्टिकुलर डोमेन में काम करेंगे. खुद तो कर नहीं पाओगे, तो वहां पे प्रोफेसर बैठे हैं स्पेशलाइज, वो आपके साथ उस प्रोजेक्ट को सॉल्व करने के लिए काम करेंगे. दैट वाज द नीड ऑफ दिस कंट्री. तो ये कंट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से एग्जाम बना हुआ है, ये जॉब देने के लिए एग्जाम नहीं बना था. ये तो बात अलग है कि इसके थ्रू पब्लिक सेक्टर जुड़ गए हैं, कोई बात अलग है, इसके थ्रू तुम्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, वो एक अलग बात है. लेकिन अदरवाइज दिस एग्जाम वॉज एक्चुअली टू गिव द सोल्यूशन टू द कंट्री, ये इस पर्पस के लिए एग्जाम बना था. बात आ गई नहीं समझ में? गेट एग्जाम के बारे में पता लग गया. अभी फिफ्थ सेमेस्टर है ना, सिक्स्थ नहीं ना है यहां पे, अभी सिक्स्थ तो आप जाओगे ना. चलो गेट एग्जाम के बारे में थोड़ा सा बताते हैं, मैं थोड़ा सा बीच में जनरल बताता रहूंगा और इस एग्जाम की चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करते रहेंगे. देखो गेट एक ऐसा एग्जाम है, इसका एग्जाम पैटर्न और सारी चीजें लिखी हुई है. 65 क्वेश्चंस, मेरे को सुन लेना है, 65 क्वेश्चंस. अरे फोन नहीं बंद कर सकते, इतना नहीं होता यार, इतना नहीं होता बच्चे, छोटे हो आप, बंद कर दो फोन.
अगर कोई बोल रहा है सामने ना तो उसको बंद कर देना चाहिए. यू आर द गर्ल्स. तो गेट एग्जाम क्या है? 65 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स. अगर अर्जेंसी है तो बाहर जाके बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. अगर कोई इमरजेंसी है फिर ऐसा ना बोलना कि सर ने मेरा काम रुकवा दिया. 65 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स, 180 मिनट्स. ध्यान से सुनना, 65 क्वेश्चन 100 नंबर का एग्जाम है, 180 मिनट का एग्जाम है. ठीक है जी. जिसमें 100 नंबर में 70 नंबर का तुम्हें आएगा या 85 मार्क्स का तुम्हें आएगा, जो तुम सारा अपना टेक्निकल पढ़ते हो. आप लोग सी डाटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, पीओसी, कंप्यूटर नेटवर्क्स, कोआ, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ये पढ़ते हैं आप लोग सब्जेक्ट. ये 85 मार्क्स का आएगा, राइट. और 15 नंबर क्या क्या आएगा इसके अंदर? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड इंग्लिश. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्या है? जो आप लोग 10th का मैथ पढ़ के आए हो, एलसीएम, एससीए, प्रॉफिट लॉस पढ़ के आए हो सारे. रीजनिंग क्या है? एजेस प्रॉब्लम, सिटिंग अरेंजमेंट, नंबर सीरीज पढ़ के आए हो सारे. इंग्लिश क्या है? सिनोनियम, एंटोनियम, फिलिंग द ब्लैंक, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के आए हो, नहीं पढ़ के आए हो. तो 100 मार्क्स में एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो तुम लोगों ने ना पढ़ा हो या नहीं पढ़ोगे. तो इसके अंदर जो भी आएगा सारा का सारा ऐसा है जो तुम लोग पढ़ते हो, जो तुम लोग पढ़ते हो. उसके बाद 65 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स, तो इट मींस कि इसमें 1 मार्क क्वेश्चन भी आएंगे और 2 मार्क क्वेश्चन भी आएंगे. 30 क्वेश्चंस आर ऑफ 1 मार्क एंड 35 क्वेश्चंस आर ऑफ 2 मार्क्स. तीन टाइप ऑफ क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे. पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 ऑप्शंस करेक्ट. सेकंड मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन कि एक से ज्यादा क्वेश्चन ठीक होगा. तीसरा न्यूमेरिकल आंसर टाइप, फिलिंग द ब्लैंक, जहां पे तुम्हें वैल्यू पुट करनी है, जहां पे तुम्हें वैल्यू पुट करनी है, दैट इज अ फिलिंग द ब्लैंक क्वेश्चन, न्यूमेरिकल आंसर टाइप. 1 मार्क क्वेश्चन के लिए 0.33 का नेगेटिव, 2 मार्क के लिए 0.66 का नेगेटिव, राइट. तो ये है इसका एग्जाम पैटर्न. ये एग्जाम की रिक्वायरमेंट देखो, अगर आप यहां पे फॉर एग्जाम्पल एमेजोन आए, फॉर एग्जाम्पल गूगल आए, फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट आए, फॉर एग्जाम्पल इंफोसिस आए, फॉर एग्जाम्पल टेक महिंद्रा आए, हर कंपनी की रिक्वायरमेंट अलग होगी ना, होगी कि नहीं होगी? इसी हिसाब से हर एग्जाम की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है. अब जब तुम उसकी प्लेसमेंट के लिए पढ़ोगे तो उसको देखोगे ना कि मैं इंफोसिस के लिए पढ़ना है कि मेरे को टेक महिंद्रा के लिए पढ़ना है, यस और नो? तो यही चीज होती है कि जब आप किसी चीज के लिए तैयारी करना स्टार्ट करते हो तो उस एग्जाम की रिक्वायरमेंट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. अब इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है? आपको एक क्वेश्चन के पीछे रफली 3 मिनट का टाइम दे रहा है. तो इसका मतलब ये नहीं है कि डिफिकल्ट एग्जाम है, ये कंसेप्चुअल एग्जाम है. अगर तुम्हें चीजें समझ के पढ़ने की आदत है या तुम चीजों को समझ के पढ़ सकते हो, दिस एग्जाम इज गोइंग टू बी वेरी 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 इजी. लेकिन अगर तुम्हें समझ के करने की आदत नहीं है, क्रैम करने की आदत है, जो कि काफी हद तक रिक्वायरमेंट यूनिवर्सिटी की होती है कि तुम्हें एक चीजों को लिखना होता है एक स्ट्रक्चर्ड वे में, राइट. यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, कंपटीशन की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है. फिलिंग द ब्लैंक, अगर आंसर ठीक नहीं आएगा तुम सही हो ही नहीं सकता. मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन, अगर तुम्हें नहीं पता है कंसेप्ट तो आंसर सही नहीं हो सकता. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन गेट के अंदर, जो गलत कंसेप्ट लगा के तुम गलत आंसर निकालोगे वहां ऑप्शन में होगा और तुम्हें लगेगा मैं ठीक कर दिया. तो ये चीज है. तो कहने का मतलब ये एग्जाम बहुत इजी है अगर तुम उसको समझ के करते हो. ये समझने वाला एग्जाम है, ये क्रैम करने वाला एग्जाम नहीं है. तो बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल एग्जाम है ये, राइट. तो नेक्स्ट कम अबाउट दिस गेट एग्जामिनेशन, यू कैन राइट द गेट एग्जामिनेशन थर्ड ईयर ऑनवर्ड. यू कैन राइट द गेट एग्जामिनेशन थर्ड ईयर ऑनवर्ड. यू कैन राइट द गेट एग्जामिनेशन सिक्स सेमेस्टर ऑनवर्ड. गेट एग्जाम हैपन एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ फरवरी. फरवरी के पहले दो वीकेंड आर फिक्स्ड फॉर द गेट एग्जामिनेशन. फरवरी के पहले दो वीकेंड फिक्स्ड फॉर द गेट एग्जामिनेशन. सेकेंडली 70-30 आई ऑलरेडी टॉक कि जिसमें 70% तुम्हारा टेक्निकल, 30% तुम्हारा क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स. लास्ट थर्ड वन इज ऑल द करियर ऑप्शंस, जो मैंने आपको बताया कि अगर तुम्हारा एक बार गेट क्वालिफाई हो जाता है तो सारी ऑप्शंस तुम्हारी ओपन हो जाएगी. नेक्स्ट वन, गेट के अंदर कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता फिजिकल, उसमें वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउड होता है. वर्चुअल जो तुम्हारी स्क्रीन पे आता है, इसकी एप्स होती है, वर्चुअल कैलकुलेटर डाउनलोड कर सकती हो. नेक्स्ट, गेट स्कोर इज वैलिड फॉर द 3 ईयर्स एंड नाउ यू कैन राइट द 2 गेट एग्जामिनेशन एट ए टाइम. एट ए टाइम यू कैन राइट द 2 गेट एग्जामिनेशन. वो कौन कौन से है वो भी मैं बताऊंगा आपको. उसके बाद ये सारी ऑप्शन मैंने बता दिए कि इफ यू वॉन्ट टू परस्यू योर करियर इन पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट जॉब, गेट एग्जामिनेशन, इंडिया, अब्रॉड. अब्रॉड के बारे में सर को ने आपको सारा डिस्कस किया है.
अबाउट द हायर एजुकेशन यार इन लोगों ने स्टार्ट किया इफ यू वांट टू गो फॉर द डू द स्पेशलाइजेशन इन पर्टिकुलर डोमेन लाइक यू वांट टू डू द स्पेशलाइजेशन इन मशीन लर्निंग एआई रोबोटिक्स योर डेटा साइंस इफ यू वांट टू परस्यू इफ यू वांट टू बी स्पेशलाइज्ड इन दिस पर्टिकुलर डोमेन देन यू कैन गो फॉर दिस एग्जामिनेशन राइट एंड देन obviously this preparation of the gate examination जैसे मैंने आपको बताया this is probably conceptual exam इसका तुम्हें benefit campus placement में भी होता है वो कैसे होता है उसके बारे में भी discuss करेंगे now next is ऊपर मैंने एक line लिखी है why everyone should write the gate examination क्यों लिखना चाहिए हर किसी को लिखना चाहिए reason सबसे पहले credibility if you tell anyone I am gate qualified उसका बहुत बड़ा मतलब है and that will help you for life long जो मैंने दूसरा point लिखा हुआ है गेट क्वालिफाई मीन्स समथिंग मेरा सीजीपी 8 है किसी का 6.5 है 6.5 अगर किसी का सीजीपी डजंट मीन कि उसका कैपेबिलिटी है उसका नॉलेज कम है क्या है इस चीज का प्रूफ नहीं उसके पीछे और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं बहुत सारे रीजंस होते हैं लेकिन अदरवाइज गेट एग्जामिनेशन द मोर यू स्कोर इन द गेट एग्जामिनेशन द मोर यू विल गेट द क्रेडिबिलिटी फॉर दैट और उसका तुम्हें बेनिफिट होता है बेनिफिट इज लाइफ लॉन्ग बेनिफिट आपने गेट क्वालिफाई किया 2025 में 26 में 27 में यू कैन राइट दिस थिंग थ्रू आउट योर लाइफ ऑन योर रिज्यूमे दैट यू क्वालिफाइड गेट एट दैट पर्टिकुलर टाइम यू कैन राइट दैट राइट नेक्स्ट वन इज द इंटरव्यूज आप चार लोग इंटरव्यू के लिए जा रहे हो सिक्स सेमेस्टर में गेट क्वालिफाई कर दो जब तुम्हारी प्लेसमेंट के लिए आएंगी कंपनीज वहां पे तुम्हारे रिज्यूमे पर लिखा होगा गेट क्वालिफाइड आपको लगता है उसका बेनिफिट मिलेगा आपको सोच के देखो 101% तुम्हें बेनिफिट और दूसरा जो नॉलेज तुम्हारा बढ़ता है जो तुम्हारा नॉलेज बढ़ता है वो एक अलग चीज है जिसका तुम्हें अगेन डायरेक्टली बेनिफिट होगा इंटरव्यू में इनडायरेक्ट बेनिफिट इसका इंटरव्यू में कि तुमने लिखा हुआ रिज्यूमे में और वो उसको कंसीडर करता है क्योंकि उसको पता है कि अगर मेरा गेट क्वालिफाई है तो हम इसको ऐसे बोलते हैं कि लेमैन लैंग्वेज में कि ठीक है इसको इंजीनियरिंग की समझ है इसको इंजीनियरिंग की थोड़ी सी समझ है दूसरा चीज अब क्या हो गया स्पेशली कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आप लोगों ने देखा होगा ट्रेंड कि पिछले इस साल सेशन के अंदर प्लेसमेंट बहुत कम गया है कंप्यूटर साइंस का है नहीं ऐसा आपको क्या लगता है क्या रीजन है रिसेशन ये नहीं है रीजन मास्टर्स लेवल पे प्लेसमेंट देखो 100% आईटीज के अंदर भी बैचलर लेवल पे जो प्लेसमेंट है वो 25% गया इस बार 25% कंप्यूटर साइंस का रीजन द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री और इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट किस बेसिस पर जनरेट हो रही है जो उनको प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आजकल कोड लिखने के लिए कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए नहीं रिक्वायरमेंट है आज एआई टूल्स क्रिएट करने डाटा इज ह्यूज डाटा कलेक्ट हो चुका है योर पीडीएफ पास कम से कम मेरे पास 2 लाख प्लस बच्चों का डाटा है पिछले 4 साल के अंदर लेकिन मेरे को ये नहीं पता कि मेरे को उसको बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करना है अगर मेरे को कोई ऐसा टूल मिल जाए ऐसा एनालिसिस उसका हो जाए कि इसको बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करना है जिससे हमें ग्रोथ मिल जाए उससे ऊपर और क्या चाहिए ये मेरी कंपनी की रिक्वायरमेंट है बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में तो आज की नीड क्या है नीड ऑफ द आर क्या है इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट अगर मैं बोलूं तो स्पेशलाइज्ड पर्संस की है स्पेशलाइजेशन इन डेटा साइंस एआई मशीन लर्निंग इन पर्टिकुलर डोमेन क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट उनके प्रोजेक्ट्स के ऊपर डिपेंड करती है कोविड आया कोविड टाइम में कुछ अलग टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स की नीड हुई जो पिछले 3-4 साल के अंदर फिनिश हो गए अब रिक्वायरमेंट क्योंकि ऑनलाइन पे चला गया सारा सिस्टम डाटा बहुत ज्यादा कलेक्ट हुआ है अब उस डाटा के बेस पे हमें एआई टूल्स करने हैं जनरेट जैसे चैट जीपीटी आया फॉर एग्जांपल आ रही नहीं आ रही बात समझ में तो स्पेशलाइजेशन इज द नीड ऑफ द आवर लास्ट लेट अस सपोज कि तुमने पूरा साल मेहनत किया गेट के लिए गेट 3 घंटे का एग्जाम है मे बी वो 3 घंटे तुम्हारी लाइफ के वो 3 घंटे शायद अच्छे नहीं थे लक भी एक फैक्टर रोल प्ले करता है तुम्हारा डाटा स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग था तुमने बोला कि चलो एक काम करते पेपर वाले दिन मैं पहले डाटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं सॉल्व करना स्टार्ट करे नहीं हुए डायरेक्ट प्रेशर और जिसके हिसाब से तुम आगे बहुत ब्लंडर्स करोगे तो वो एग्जाम वाले दिन का प्रेशर कैसे तुम्हें हैंडल करना है उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है बहुत सारी चीजें मैटर करती है एक हमारा स्टूडेंट होता था जिस दिन उसका एग्जाम होता था उसके एक दिन पहले वो बीमार हो जाता था उसको फीवर हो जाता था ऐसी भी चीजें होती है जो तुम्हारे कंट्रोल के बियॉन्ड है जो तुम्हारे कंट्रोल के बियॉन्ड है बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में राइट अब अगर आप लेकिन अगर आप गेट एग्जामिनेशन देते हैं
गेट एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करते हैं और मान के चलो मान लो क्वालिफाई नहीं क्वालिफाई हुआ तो ऐसा तो नहीं है दुनिया खत्म, हर साल अपॉर्चुनिटी है तुम दे सकते हो पहला। दूसरा ऐसा भी नहीं कि गेट इज द ओनली एग्जामिनेशन, गेट के अलावा बहुत सारे एग्जामिनेशन है जो तुम दे सकते हो। अब जब तुम गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो नहीं निकला तो तुम्हारी प्रिपरेशन तो सही रही है ना, अगर तुम्हारी प्रिपरेशन सही रही है तो उसके पैरेलल और बहुत सारे जो एग्जाम्स आते हैं उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन उस एग्जाम में क्रैक होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हाई रहती है जिसने गेट का प्रिपरेशन किया होता है, क्योंकि गेट प्रिपरेशन इज द कंसेप्चुअल प्रिपरेशन, कंसेप्ट के हिसाब से तुमने चीजों को समझ के पढ़ा है। नहीं लाइक सिविल सर्विसेज साल में 12-1300 लोगों को मिल रही है जॉब, लेकिन बच्चा दे रहा उसको 1,000,000 पेपर, इंटरव्यू के लिए गए लेट अस को 3 times, तो क्या सिर्फ वही 12-1300 कैपेबल थे, बाकियों का क्या बना? वो अंदर एग्जाम स्टेट पीसीएस वगैरह के या अंदर जो एग्जाम्स निकलते हैं अच्छे लेवल के उसमें उसका एग्जाम निकल जाएगा, बात आ रही कि नहीं समझ में? तो ये वो फैक्टर है कि जिसमें मान के चल रहे हैं कि नहीं हुआ। जॉब जिसके बारे में हर कोई सुनना चाहता है, लेट अस डिस्कस अबाउट फॉर दैट। देखिए गेट जॉब गेट के थ्रू मैंने आपको बताया 3 कैटेगरी, प्राइवेट उसमें बेनिफिट पता लग गया कैसे मिलेगा आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, पता लग गया प्राइवेट का यस और नो? दूसरा आ गया गवर्नमेंट जॉब, मैंने बताया आपको पीएसपीसीएल, अगर आप लोगों में से किसी ने अगर 10th में पंजाबी है, क्योंकि जो पंजाब की नियर बाय जो बॉर्डर एरियाज है हरियाणा के साथ लगते हैं तो उसमें नॉर्मली स्कूल्स में पंजाबी पढ़ाई जाती है, ये ऑप्शनल होती है तो आप लोग ले लेते हैं बहुत लोग, तो 10th में अगर आप लोगों के पास पंजाबी है तो पीएसपीसीएल में आप ए के लिए डायरेक्टली एलिजिबल है इफ यू क्वालिफाई द गेट एग्जामिनेशन, अदरवाइज हरियाणा यूटिलिटी बोर्ड यू आर एलिजिबल फॉर द असिस्टेंट इंजीनियर। नाउ थर्ड वन विच इज अ चार्म है दैट इज अ पब्लिक सेक्टर, दैट इज अ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में ये मैंने कुछ नेम लिखे हैं पब्लिक सेक्टर के, लाइक हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, इसरो, डीआरडीओ, बीएआरसी, ये कुछ नाम लिखे हैं, ये 250+ पब्लिक सेक्टर है। ये तो मैंने वो लिखे जो डायरेक्टली टेक्नोलॉजी में डील कर रहे हैं, इसके अलावा बहुत सारे पब्लिक सेक्टर ऐसे हैं या बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो डायरेक्टली टेक्नोलॉजी में डील नहीं करती हैं। फॉर एग्जांपल बैंकिंग सेक्टर, आपको लगता है बैंकिंग सेक्टर में कंप्यूटर साइंस इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है? हाय ना बोलो, यस है। उसके बाद इंश्योरेंस सेक्टर, टेक्निकल ऑफिसर की रिक्वायरमेंट होती है उसमें, हर साल आती है बैंकिंग डोमेन में टेक्निकल ऑफिसर की, राइट? अब यहां पे जैसे मैंने बोला कि गेट में एंटर, इस पब्लिक सेक्टर में एंटर करने के 2 ways है। अच्छा, गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर का डिफरेंस पहले बताता हूं, एक मैंने बता दिया, एक 100% और एक 51%। दूसरा, जो सैलरीज है पब्लिक सेक्टर का दैट आर मोर देन द गवर्नमेंट सेक्टर, जो पब्लिक सेक्टर की जो सैलरीज है दैट इज मोर देन गवर्नमेंट। अगर आप कहीं पे असिस्टेंट इंजीनियर लगते हो हरियाणा यूटिलिटी बोर्ड में, योर सैलरी इज गोइंग टू बी नियर टू 65,000-70,000 पर मंथ, लेकिन यहां पे जो स्केल स्टार्टिंग है पब्लिक सेक्टर का दैट स्टार्ट फ्रॉम 9-10 lakh पर एनम एंड दैट गोस टू द मैक्सिमम ऑफ 18 lakh पर एनम। 3 कैटेगरी ऑफ पब्लिक सेक्टर है, फर्स्ट इज द महारत्ना पब्लिक सेक्टर, फिर 12-13 पब्लिक सेक्टर है विच प्रोवाइड यू द हाइएस्ट पैकेज, देन मिनी रत्ना, देन नवरत्ना। महारत्ना, मिनी रत्ना, नवरत्ना, ये कैटेगरीज है। बेनिफिट, सैलरीज एंड अदर एवरीथिंग आर मोर देन यू विल गेट ड्यू टू द पब्लिक दिस गवर्नमेंट जॉब। और अगर मैं से बोलूं 1 line में, अगर ये कंट्री चल रहा है तो 2 sector के कारण चल रहा है, एक है प्राइवेट, एक है पब्लिक, क्योंकि ये जो तो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन ये जो है डोमेन, इसी के कारण ग्रो कर रहा है कंट्री, ये फैक्ट है, राइट? इसको डिटेल में सोच लेना बाद में। नाउ इसमें एंटर करने के आपके पास 2 ways हैं, एक है थ्रू गेट एग्जामिनेशन, एक है विदाउट गेट एग्जामिनेशन। अगर आप विद गेट एग्जामिनेशन जाएंगे तो आपको गेट का एग्जाम दिया, गेट का एग्जाम दिया, लेट अस सपोज तुम्हारे आगे 60 marks, लेट अस सपोज आउट ऑफ 100। अब वो 60 marks के बेस पे हमें फिर पब्लिक सेक्टर अपनी ओपनिंग ओपन करता है, रिक्रूटमेंट ओपन करता है, नोटिफिकेशन आता है कि भाई कोल इंडिया लिमिटेड 50 vacancies कंप्यूटर साइंस, जो भी अप्लाई करना चाहता है कर लो, और गेट 2026 के बेस पे हम कर रहे हैं रिक्रूटमेंट। जल्दी क्यों कर रहे हैं यार, टाइम देना चाहिए यार, हमें कोई फायदा नहीं है, उससे कहीं बेटर है, मतलब रिक्वायर्ड है। तो पब्लिक सेक्टर विदाउट गेट या विद गेट, आपके पास एक एग्जाम, आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, उसमें आपने अप्लाई करना है, और डिपेंडिंग अपॉन योर मार्क्स आपको कॉल आएगा नहीं आएगा वो डिपेंड करेगा कि मेरिट क्या बना है, दैट इज अ वेरी सिंपल। उसमें कोई रिटर्न नहीं होगा उस केस में जब आप थ्रू गेट एग्जामिनेशन अप्लाई कर रहे हो। नेक्स्ट इज द सेकंड राउंड।
सेकंड राउंड इंटरव्यू हर किसी में होता ही होता है, इंटरव्यू तो होना ही होना है, लेकिन अदरवाइज जो जॉब्स मैनेजमेंट ट्रेनी से रिलेटेड होती है, एग्जीक्यूटिव ट्रेनी से रिलेटेड होती है, वहां पर तुम्हारा पर्सनैलिटी चेक करते हैं। पर्सनैलिटी देखने से नहीं, कपड़े कैसे डाले देखने से नहीं, क्या तंगी करके आया, शेप बना के, उससे रिलेशन नहीं होता पर्सनैलिटी। और जो आपको इंटरव्यू में यहाँ पे भी बहुत हेल्प करती है, ग्रुप डिस्कशन यहाँ पे भी होने हैं आपके, इंटरव्यूज यहाँ पे भी होनी है, एंड योर पीटीएस इंडिया इज लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेयर वी प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर इंटरव्यूज जीटीजीटी। तो उसमें कुछ प्रोसेस होती है दैट वेरीज फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू पब्लिक सेक्टर, लाइक IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसमें आपको ग्रुप डिस्कशन होता है, ग्रुप टास्क होता है और इंटरव्यू होता है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसमें सारी चीजें होती हैं, चारों होती हैं। देन थ्रू विदाउट गेट बहुत सारी पब्लिक सेक्टर, फॉर एग्जांपल ISRO हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, HRNL, ऐसे NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, जो आपका कोर पब्लिक सेक्टर है, जो गवर्नमेंट जॉब है, जो तुम्हारे रिक्रूट करती है बल्क में कंप्यूटर साइंस के लिए, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। NTRO, NIELIT, NILET, ये ध्यान रखना, ये तुम्हें रिक्वायरमेंट पड़ेगा बाद में, अदरवाइज तुम बोलोगे सर पता ही नहीं चला, बाद में बताया नहीं किसी ने, कोई ना कोई बन जाएगा NIC में साइंटिस्ट भी लग जाएगा और तुम्हें बाद में पता लग गया, वो तो लग गया भाई, मेरे को तो बताया नहीं, अब तो मेरा एज भी लिमिट नहीं गया, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, राइट। तो उसमें रिटर्न होगा, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क, केस स्टडी, इंटरव्यू तो हर किसी में होना है। GD GT केस स्टडी होगा नहीं होगा वो डिपेंड करेगा पब्लिक सेक्टर के ऊपर। बात आ गई जी समझ में, समराइज खत्म कर देंगे, प्रोफेशनल स्ट्रेटेजी सिंपल, बहुत सारी चीजें थी, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कभी मौका मिलेगा फिर डिस्कस करेंगे आराम से। अदरवाइज ऐसी मेरी जितनी भी प्रेजेंटेशंस कॉलेज में हम लोग करते हैं, दैट एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द YouTube के ऊपर सारे सेशंस अवेलेबल हैं, तो उसको किसी को भी सुन लेना ध्यान से। अदरवाइज इफ यू गेट द नेक्स्ट टाइम कि हमें अपॉर्चुनिटी मिला कि जिसमें आपको, क्योंकि आप स्ट्रेंथ भी कम है, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे आराम से। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी इज वेरी सिंपल, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी जैसे मैंने बताया कि हर एग्जाम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल NIC नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर, उसमें आपको एक क्वेश्चन के पीछे एक मिनट का टाइम मिल रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, एक मिनट के पीछे एक क्वेश्चन के पीछे एक मिनट का टाइम मिल रहा है। गेट एग्जामिनेशन, एक क्वेश्चन के पीछे 3 मिनट का टाइम मिल रहा है। तो अब इट मीन्स कि गेट में जो प्रॉब्लम आएगी वो उसके हिसाब से आएगी कि किसमें तुम्हारा थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा, लेकिन जो दूसरे एग्जामिनेशन जो विदाउट गेट है उसमें आएंगे स्ट्रेट याद रखने वाले थ्योरेटिकल क्वेश्चन और हल्की सी प्रॉब्लम्स भी आएंगी। तो उस एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पढ़ना है। अब आप टारगेट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल सर मेरे को गेट करना है, करना क्या है, जो सब्जेक्ट तुम्हारा कॉलेज में चल रहा है पहला उसको ढंग से पढ़ो, उसको ढंग से पढ़ो, प्लस उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते रहो, दैट्स इट। इतनी सी रिक्वायरमेंट है, पहला सब्जेक्ट को ढंग से पढ़ते रहो जो तुम कॉलेज में पढ़ रहे हो, और उसका एक मार्केट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बुकलेट मंगवा लो और उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते रहो। बहुत सिंपल रखना है प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। और एंड में जाके तुम्हें टेस्ट लगानी है, टेस्ट सीरीज लगानी है। टेस्ट का क्या पर्पस होता है, जिसमें तुम्हें यह पता चलता है कि एक्चुअल एग्जाम में जाके मैं क्या गलती करूंगा, मेरे को वो टेस्ट में करनी है। आगे ही समय मेरे को डाटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन मेरा बहुत स्ट्रांग था, मेरे को आता भी था, मेरा गलत क्यों हुआ, मेरे को वो एनालिसिस करना है कि मैंने आंसर सही निकाला, जल्दी में बी कर दिया, मैंने कंसेप्ट गलत लगा दिया, मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया। ये मिस्टेक्स ऐसी हैं जो तुम टेस्ट में लगाओगे, एक्चुअल एग्जाम में जाकर उसको रिपीट नहीं करना है। ये सिंपल से इसका फंडा है। बात आ गई समझ, समझ आएगी बात। अच्छा एक दो गेट एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। This is your computer program last 1 minute. अभी तो मैं जस्ट, मेरे को लग रहा है शायद 30% मैंने अपनी प्रेजेंटेशन किया। This is your computer science. जैसे मैंने आपको बोला you can write two gate examination, right? So CS is a core for the gate examination. These are the different second paper जो तुम आप लिख सकते हो gate के साथ। DA is the core for data science and artificial intelligence. This gate paper started this year only. Gate 2024 के अंदर IIC बेंगलोर ने नया गेट पेपर स्टार्ट किया है, दैट इज गेट इन डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट वन इज यू कैन ऑल्सो राइट द गेट एग्जामिनेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स, EC, GE इज जियो इन्फॉर्मेटिक्स, और इसमें तुम मास्टर्स में स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हो। MA इज मैथमेटिक्स, PH इज फिजिक्स एंड ST इज स्टैटिस्टिक्स, स्टैट्स में तुम कर सकते हो गेट एग्जामिनेशन। देखो इसमें बहुत सारी और इंसाइट्स हैं कि जैसे तुमने गेट में कंप्यूटर साइंस से लिखा और गेट तुमने स्टैटिस्टिक्स से लिखा, राइट? गेट में कंप्यूटर साइंस से लिखा, तुम्हारे आए 50 नंबर और तुम्हारा गेट स्कोर आया, लेट अस सपोज 550। एक गेट स्कोर होता है 1000 में से मिलता है, जैसे परसेंटाइल होता है ना
ऐसे एक स्कोर होता है गेट स्कोर जो तुम्हें 1000 में से मिलता है। तुमने 50 मार्क्स के ऊपर तुम्हारा 550 गेट स्कोर आया और तुमने स्टैटिस्टिक्स में लिखा 35 नंबर के ऊपर तुम्हारा 800 गेट स्कोर आया और तुम इंटरेस्टेड हो मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए। मैनेजमेंट कोर्सेज ऐसे कोर्सेज होते हैं जो हर आईआईटी एनआईटी में अवेलेबल होते हैं, राइट? मैनेजमेंट एंड दीज आर द बेस्ट कोर्सेज, अच्छे कोर्स हैं, प्लेसमेंट बहुत अच्छी होती है वहां पे। भाई मेरे को सर कंप्यूटर साइंस से डोमेन चेंज करनी है, मेरे को मैनेजमेंट डोमेन में जाना है, मैनेजमेंट डोमेन में जाना है, तो गेट पेपर किस डोमेन से लिखना है वो बहुत ज्यादा मैटर करेगा तुम्हारा। तो स्टैटिस्टिक्स में बहुत कम मार्क्स के ऊपर अच्छा गेट स्कोर आ जाता है। और मैनेजमेंट कोर्सेज ऐसे कोर्सेज होते हैं जो इंटरडिसिप्लिनरी होते हैं, जिसमें कोई भी ब्रांच का बच्चा अप्लाई कर सकता है, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, एग्रीकल्चर, फूड टेक, कोई मर्जी दे लो उसमें। लेकिन जो शॉर्टलिस्टिंग होने नेक्स्ट राउंड की वो गेट स्कोर के बेस पे होना है। नाउ रिटन गेट इन स्टैटिस्टिक्स 40 नंबर पे 800 गेट स्कोर, उधर 50 नंबर पे 1500 गेट स्कोर, तो बेनिफिट उसमें लिख किया जाएगा आपको। अच्छा, इफ यू आर टारगेटिंग द पब्लिक सेक्टर थ्रू द गेट, तो तुम्हें कंप्यूटर साइंस से ही लिखना है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, ये ध्यान से रखना। अदरवाइज होता क्या है कि तुम एनालिसिस करोगे कितने स्कोर के बेस पे इतना हो गया तो मेरा, लेकिन कोई पब्लिक सेक्टर मेरे को अलाउ नहीं कर रहा है। तो ये जो है डिपेंड करता है कि तुम अल्टीमेटली करना क्या चाहते हो। जियो इन्फॉर्मेटिक्स बहुत जबरदस्त ब्रांच है, आईटी बॉम्बे में है, आईटी मद्रास में है, आईटी कानपुर में है और आईटी गुवाहाटी में है, इसको चेक करना। और ऐसे बहुत सारी डोमेन्स होती हैं जिसमें तुम हायर स्टडीज की तरफ जा सकते हो, वो मेरे को हायर स्टडीज में डिस्कस करना था। तुम्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक होता है तुम्हारी कोर डोमेन, एक होती है तुम्हारी इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन। कोर डोमेन तुम्हें कंप्यूटर साइंस के डोमेन में स्पेशलाइजेशन करना है, नॉन कोर इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन जिसमें तुम नॉन कंप्यूटर साइंस डोमेन में मास्टर्स कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल डेटा साइंस, एआई। डेटा साइंस एंड एआई आर द इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन, ये कंप्यूटर साइंस का डोमेन नहीं है। ऑल्दो कि इसमें कंप्यूटर साइंस वाले को बेनिफिट मिल जाता है क्योंकि तुम कुछ सब्जेक्ट पढ़ते हो। अदरवाइज आपके पास रोबोटिक्स हो गया, आपके पास आ गया ई वेस्ट मैनेजमेंट, ई वाइकल्स वगैरह, एंटरप्रेन्योरशिप, मास्टर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप आईटी हैदराबाद और आईटी मद्रास के अंदर है। आप लोग में कोई भी जाना चाहते हो एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड तो जा सकते हो आप इन आईटीज के अंदर, राइट? तो ऐसे बहुत सारी ऑप्शंस तुम्हारे पास अवेलेबल होती है। बात आ गई समझ में? जल्दी से इसको स्कैन कर लो, जल्दी से इसको फिनिश कर लें। ये हमारे यूरोपीडिया के यूट्यूब चैनल का लिंक है, इस पे आपको वो सारी इंसाइट्स मिलेगा, सारी इंसाइट्स मिलेगा जो आपको रिक्वायर्ड होएगा टाइम टू टाइम, दैट विल बी रिक्वायर्ड टाइम टू टाइम। और आपको क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है तो आप लोग और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म फॉलो करते होंगे, लेकिन इसमें आपको बहुत सारी यूनिक चीजें मिलेंगी जो कोई नहीं प्रोवाइड कर रहा है पूरे इंडिया के अंदर, सो यू शुड फॉलो दैट। एक फोटो क्लिक करके आप अपने ग्रुप में शेयर कर लीजिए, कोई एक फोटो क्लिक कर लो। नाउ एनी क्वेरी, कोई आपको कोई डाउट या कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, एनी क्वेरी? अभी ऑल्दो कि हमने सिर्फ जॉब का बात किया, हायर स्टडीज की बात ही नहीं की हमने। एनी क्वेरी, कोई भी दिमाग में डाउट हो? अच्छा एक चीज और बताओ, जितना भी मैंने चीजें बताई हैं, इसका कहीं पे तुम्हारी प्लेसमेंट हैम्पर होगी? हाँ, और कैसे होएगी? अगर होएगी तो प्लेसमेंट कैसे हैम्पर होएगी अगर तुम इस एग्जाम को टारगेट करते हो? हैम्पर होगा? हाय ना तो बोलो। हाँ बोलो, बोल ही नहीं रहे होगा? यस, ये लो, कहीं पे भी नहीं होगा, आराम से ठंडे दिमाग से सोचना, इसका बेनिफिट ही होगा। और क्या बेनिफिट होगा मैंने तुम्हें बताया, रिटर्न के अंदर, इंटरव्यूज के अंदर, रिज्यूमे पे, उसमें तुम्हें बेनिफिट होगा, राइट? चलो कोई बात नहीं, एक हेजिटेशन होती है। चलो थैंक यू, एंड आप लोगों ने बहुत पेशेंस के साथ सुना और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से इंटरेक्शन करके। चलो ऑल द बेस्ट यार, ऑल ऑफ यू, थैंक यू।